जय हिंद सभी विद्यार्थियों को, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिसके अंतर्गत मैं आपको SSC GD का अभी जो अपना सीरीज चल रहा है, इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर कि जो SSC GD के अंतर्गत 2022 में 24,369 पदों की जो भर्ती निकली है, इसके लिए मैं डेली आपके लिए एक अच्छे से वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें डेली अपन ने 7 महीने जो आपको टॉपिक डाले थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कितनी योजनाओं पे से क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एक पेपर में एक योजना आ रही है, हर एक पेपर के अंतर्गत अपने स्थान परिवर्तन वाला टॉपिक मैंने डाला था, इसके बाद मैंने GI टेक वाला एक टॉपिक है, और इसके बाद आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ सैन्य अभ्यास 2022। सैन्य अभ्यास से आप समझ रहे हो यहाँ पर कि अपना जो दो सेनाओं के बीच में, भारत हुआ, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, दो तीन सेना मिलकर आपस में एक युद्ध प्रैक्टिस करते हैं, उसको बोलते हैं युद्ध अभ्यास। इसमें दो से तीन सेना आपस में हो सकती है, तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सारे पेपरों में काम आता है। कोई सा भी आप पेपर ले लो, भारत सरकार का ले लो या मध्य प्रदेश सरकार का ले लो, करंट अफेयर का अगर क्वेश्चन आया तो इन टॉपिकों पे से क्वेश्चन आते हैं। देखो, अभी बच्चों को करंट का भी नहीं पता कि करंट में कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, तो ये सूचकांक हुआ है ना, जो मैं अभी सीरीज लेके आया हूँ आप लोगों को, 15 से 20 टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको करंट नहीं पढ़ना। करंट पूरा कवर करवा दूंगा, 15-20 वीडियो अगर आप लोग देखते हो, मेरे डेली एक वीडियो आता है जिसके अंतर्गत पूरा करंट अपन कवर कर लेंगे, इसके बाद आपको करंट अलग से नहीं पढ़ना। ये बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, क्योंकि मैंने 7-8 पेपर आपको पहले लगा दिए, उसके हिसाब से मैं आपको ये टॉपिक सीरीज चला रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए, इसलिए कि पेपरों में आ क्या रहा है। वो पुराने वीडियो मैंने इसलिए आपको अपलोड करवा दिए थे, 7 वीडियो जिसमें मैंने पुराने पेपर आपको लगा दिए थे, तो उसके हिसाब से आप ये सैन्य अभ्यास 2022, अब हर साल ये सैन्य अभ्यास होते हैं, 2022 के जितने भी पेपर होंगे आपको इसमें मैं पूरे ट्रिक से कवर करा दूंगा। 15 से 20 मिनट आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, पूरा मैं यार ट्रिक से रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल मेरा नियम ही है, रटना मना है। मेरे इंस्टीट्यूट में भी मेरे बच्चा ऑफलाइन जो पढ़ता है, हर चीज में ट्रिक से, कोडिंग से याद कराता हूँ, और अब यही चलेगी जब तक आप लोग उसमें कुछ नहीं लगाओगे हिंट। GS को आप याद नहीं कर सकते, GS को याद नहीं रहता, आजकल लोगों को वैसे ही 10 मगज मारी है, इतनी टेंशन है, रूम का रेंट लेना, दूध वाले का हिसाब करना, किराने का सामान लाना, ये लाना वो लाना, और साथ में इतना GK मैथ्स रीजनिंग विज्ञान करंट, इतनी चीजों को आप कैसे पढ़ोगे, है ना। और आज अपन जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इस टॉपिक में मैं थोड़ा सा कि काम सूचना और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे इधर आम सूचना ही होती है, जब कुछ गाँव पे कुछ होता है तो बोलते हैं आम सूचना है, सभी ग्रामीण वालों से निवेदन है कि इंद्र भगवान रूठ गए, आज रोटी वायरे होगी, है ना। तो ये एक आम सूचना है अपने यहाँ भी कि जो मेरा अभी CEO में बच्चे मुझे इतना पसंद करते हैं कि मैंने एक बेस शुरू कर दिया था यहाँ पर MP GK का, और आपको सभी को पता है कि मैंने MP GK के 34 वीडियो अपलोड कर दिए, 34 वीडियो अपलोड कर दिए थे। उस वीडियो को देखकर बहुत सारे जो बाहर CEO से बाहर बच्चे हैं, कुछ रायसेन के बच्चे मुझसे जुड़े, विदिशा के, छतरपुर तक के बच्चे मेरे पास में यहाँ पर आए हुए हैं, और उन्होंने मेरे लिए रूम ले लिया यहाँ पर आके, और मैंने 2 से 3 जो क्लास स्टार्ट की थी तो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी भीड़ हो जाएगी। 2 दिन क्लास लगाई मैंने और इतनी भीड़ हो चुकी उस क्लास के अंतर्गत कि बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। एक बालिका कल, उसको ठंड के समय सोचो इतनी गर्मी कि वो बेहोशी हो गई कुर्सी पे बैठे बैठे ही, है ना, पूरा स्टेज विस्टेज बाहर तक बच्चे, इतना हो चुका कि मुझे इस बैच को रोकना पड़ा। 2 से 3 वाला जो बैच था, अब मंडे से इस बैच को मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ, जिसमें इस बैच का जो समय रहेगा, इसकी तारीख हमने डिसाइड जो की है वो मैं आपको इसका मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे, जो मेरे पास आ रहे हैं, जो ग्रुप से जुड़े हैं, और जो ऑफलाइन से, जो ऑनलाइन से जो बच्चे मेरे से जुड़ना चाह रहे हैं उनका समय रहेगा 1 से 2, है ना। जो बाहरी बच्चे आ रहे हैं मेरे पास में उनका समय मैं 1 से 2 रख रहा हूँ, और जो सीओर वाले बच्चे हैं उनका समय मैं अलग से डिसाइड करूंगा, है ना। तो इस बैच ने इतना 2 से 3 में इतना हंगामा हो गया MP GK, क्योंकि अभी ये जो वैकेंसी आ रही है 7,500 भर्ती मध्य प्रदेश पुलिस की घोषणा हो रही है, और आपको पता है मध्य प्रदेश पुलिस जैसा जो पेपर है उसकी लिस्ट लोग बोल रहे थे बहुत टफ पेपर है, इतने पर लिस्ट जाएगी, इतने पर लिस्ट जाएगी, अरे एक एक चीज दबा दबा के कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है। 77 पे OBC की लिस्ट गई है, 81 के आसपास जनरल की लिस्ट गई है, तो सोचिए आप लोग 40 नंबर का GK है जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन मध्य प्रदेश GK के हैं, जब तक आपका GK कंप्लीट नहीं होगा आप कोई सा पेपर नहीं निकाल सकते। 2 से 3 मैंने MP GK क्लासेस स्टार्ट की थी, ज्यादा भीड़ होने की वजह से इस क्लास को 2 भागों में बांट रहा हूँ, जो भी विद्यार्थी पहले आएगा तो सीधे क्लास नहीं लेगा, थोड़ा आपको कोचिंग में आके
पहले इस फोन पे आपको मैसेज करके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं एंट्री दूंगा। भयंकर भीड़ हो रही है उसके अंतर्गत, है ना। मध्य प्रदेश जीके का पूरा सीरीज चलेगी, 2 से 2.5 महीने का कोर्स रहेगा, जिसमें आपका सचिवालय कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें जो मध्य प्रदेश सचिवालय के जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, साथ में आबकारी विभाग आ रही है। आपको पता आबकारी विभाग में भी 40 नंबर का जीके डाल दिया। जिस बंदे का जीएस रहेगा वही पेपर निकाल पाएगा। 40 नंबर का जीके कर दिया उसके अंतर्गत भी, 15 नंबर का विज्ञान कर दिया इसके अंतर्गत, मतलब 55 नंबर का कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अंतर्गत। तो आबकारी विभाग हुआ, सचिवालय विभाग हुआ, मध्य प्रदेश पुलिस हुआ, इन तीनों के हिसाब से 2 भागों में एमपी जीके की 1-1.5 घंटे मेरी क्लास लगेगी, ठीक है। और मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ कि मैं इतने एकदम बच्चे आ गए, इतनी भीड़ हो गई, और हमारे पास अब हाल है, हमें भी नहीं पता था कि आप में एकदम से इतना ज़्यादा इसमें फेमस हो जाऊँगा, है ना। ऑफलाइन में तो मैं हूँ ही सर ही, अब ऑनलाइन से जो बाहरी बच्चे आ गए इनकी वजह से थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो गई, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि बच्चे नीचे बैठ रहे हैं, है ना, स्टेज पे चढ़ चढ़ के बैठ रहे हैं लेडीज है। चलो देखिए, साथ में अपनी ये जो चल रहे हैं ये है सैन्य अभ्यास। अगर अपन इसकी बात करें तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, पूरे सैन्य अभ्यास में आपको टिप्स याद करवा दूंगा, मेरे साथ जुड़े रहे, एक एक चीज आपको कराई जाएगी, और मेरा वादा है कि जीएस से बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुके। देखिए जीडी के तो मेरे पास बेच चल ही रहे हैं 7 से 10 है, और 10 से 1 बेज है, 2 बेज है जीडी के, ये 2 बेचेस मेरे यहाँ चल रहे हैं। कुछ संविदा के भी विद्यार्थी आ रहे हैं, संविदा के विद्यार्थियों के लिए अभी मैं थोड़ा सा समय, मेरे पास बेच में अभी समय नहीं है, भेज इतने फूल है, मैं उसका डिसाइड करूंगा, आपको ऑफलाइन पढ़ाना ऑनलाइन पढ़ाना उसका, है ना। देखिए ध्यान से देखना, टॉपिक बहुत अच्छा है सैन्य अभ्यास का, और देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है, मुझे भेज ही रोकना पड़ा, तो कुछ खासियत है ना, तभी बच्चे आ रहे हैं। आजकल के बच्चे को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, है ना, जैसे बच्चे लोग बोलते हैं बेवकूफ ये हो, आजकल बच्चा बहुत समझदार है साहब, बच्चा 1 रुपया सोच समझ के देता है। सीहोर के अंतर्गत जितने भी सब कोचिंग में बच्चे जाते हैं, तो सब बच्चा जितने पढ़ा रहे हैं बेचारे, जो भी मेहनत करवा रहे हैं, तभी बच्चा जाके पैसा देता है, क्योंकि बच्चे में आजकल हर कोई बच्चा, आज उसको बिल्कुल वो बच्चा आपसे एडवांस है, है ना। और ये हमारी 10-11 साल की तपस्या है, मेहनत है, तब जाके बच्चे तैयार हैं। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं अलग से शाम को ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, और इन वीडियो को आपको इतनी मेहनत करवा रहा हूँ, डेली आपको समय दे रहा हूँ, 8 बजे मेरा डेली आपको वीडियो डलता जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि मुझे आपको चैनल सब्सक्राइब करने का नहीं कहना पड़े, और आपका भी काम है कि उन बच्चों तक वीडियो पहुँचाएं जो बच्चे शहर नहीं आ पाए, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करेंगे अपन, अपन पढ़ रहे हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास, आज का टॉपिक है सैन्य अभ्यास। 2 सेनाएं आपस में युद्ध अभ्यास करती है, उसको बोलते हैं सैन्य अभ्यास। देखो ये लिखा जीमैक्स, सैन्य अभ्यास का नाम क्या है आपका, जीमैक्स। तो जीमैक्स सैन्य अभ्यास है भारत और जापान के बीच, किसके बीच में, भारत और जापान। पूरा ट्रिक से अपन याद करेंगे, जीमैक्स किसके बीच में, भारत और जापान के बीच में। देखो बंदा बोल रहा है, वैसे उसमें आप वैसे देखो, जा से तो आ गया जापान, और आई से क्या गया, इंडिया आ गया। जी से जा से क्या गया, जापान, आई से क्या गया, इंडिया आ गया, है ना, ये जापान और इंडिया आ गया बंदा। फिर भी अपन इसमें ट्रिक लगा लेंगे, जीमैक्स, जीमैक्स ये ना, जीमैक्स अगर अपन बात करें यहाँ पर कि भारत के जो लोग होते हैं, भारत के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जिम करते हैं पान खाकर, जिम करते हैं पान खाकर, क्या आएगा, जापान। भारत के लोग क्या करते हैं, जिम करते हैं क्या खा के, पान खा के, तो जी मैक्स जापान, जापान। वैसे अभी शादियों का सीजन वैसे भी आ चुका है, जबरदस्ती ठूसे जा रहे हैं मुंह में पान, है ना, दूल्हों के, है ना, तो ये जी मैक्स। अगला आएगा आपका काकाड़ू, अभ्यास का नाम क्या है, काकाड़ू। ये किन किन के बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। देखो आपको पता है मालवी भाषा में चाचा बोलते हैं, कक्कू बोलते हैं, कि तो काका बोल देते हैं, काका, तो ये क्या आएगा, काका, काका, काकाड़ू, क्या लिखा, काका, काका, काका से आस है भैया, भारत वाले लोगों को किसके आस रहती है, काका से आस है, किससे आस रहती है, काका से आस है। तो भैया जो आपके चाचा वाचा है उनसे भी निवेदन है कि आपके भतीजों को अगर आपसे आस रहे तो उनकी आस को बनाए रखे, है ना, तो काका से क्या है, आस है। भारत के लोगों को काका से क्या होती है, आस होती है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। मेरा भी एक बेटा है मानविक, उसको भी चाचा सास रहती, पर बेचारे समय नहीं दे पाते, मध्य प्रदेश पुलिस में, है ना। और बच्चे छोटे होते हैं ना, वो घर के अंतर्गत एक तो बुजुर्ग हुए, चाचा हुए, इनसे ज्यादा प्यार करते हैं ना। तो जितने भी भैया चाचा है जिनके घर में जो मुझे देख रहे हैं, अपने भतीजों से प्यार किया करो यार, है ना। फिर बोलते हैं लट मार दी,
देखो औसत क्या आएगा, औसत का आप देखो जिम, भारत की अगर अपन बात करें तो भारत के लोग जाके पान खा लेते और क्या कर लेते, जिम भी कर लेते, सब काम कर लेते, पान भी खा लेते जिम भी कर लेते। काका से क्या है, आ से ऑस्ट्रेलिया। औसत क्या आएगा, औसत औसत है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, मतलब बहुराष्ट्रीय का मतलब कि बहुत सारी सेनाएं मिलकर इसके अंदर क्या है भाग लेती है। ऐसा कोई वो नहीं है कि भारत के साथ में और भी सेनाएं इसके अंदर क्या लेती है भाग लेती है औसत। वैसे ये सैन्य अभ्यास हुआ है रूस में, कहां पर हुआ है, ये रूस के अंतर्गत हुआ है। औसत कहां पर हुआ है, रूस। तो इसमें तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, तो ऐसे कम आएंगे ऐसे जान जाएंगे जिसमें भारत शामिल रहेगा, जिसमें भारत होगा, क्योंकि भारत के पेपर में भारत को तो रखेंगे है ना, वो दूसरे देशों को क्यों रखेंगे। अगला आएगा उदार शक्ति, क्या आएगा उदार शक्ति, भारत और मलेशिया। देखिए आप लोग ध्यान से देखना, अपना उद्देश्य ट्रिक लगाना आपको ताकि याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। भारत के लोग माल, भारत के लोग माल क्या मांगते हैं, उदार मांगते हैं। तो उदार उदार लोग सबसे ज्यादा उदारी कहाँ चलती है, भारत में चलती है। लोग क्या मांगते हैं, माल मांगते उदार, और अच्छी बात है, नहीं है लोग दे भी देते हैं, किसी को मना नहीं करते हैं, देते हैं। तो और जिसके पास पैसे नहीं हो, पैसा तो आज है कल है, दे देना चाहिए रहे, तो किसी को मना नहीं करना चाहिए, बड़ी आज से आपके पास में आता है ना। देखिए तो अपन ने क्या देखा भैया, जिम, तो भारत के लोग जाके पान खा लेते और जिम भी कर लेते हैं। काका से क्या है, आ से ऑस्ट्रेलिया। औसत कहाँ है, रूस में। उदार क्या है, ये उदार, भारत और मलेशिया, भारत और मलेशिया। आप लोग देखो उदार कहाँ चलता सबसे ज्यादा, भारत और मलेशिया। थोड़ी सी जो मैं हिंट दे रहा हूं, अगर आप इनको ध्यान से सुनोगे तो मैं बता रहा हूं आपको, पेपर के अंतर 100% आपका खुलेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। 13वां वज्र प्रहार, 13वां वज्र प्रहार कहां पर है, भारत और अमेरिका। देखो अमेरिका की अगर अपन बात करें भैया, तो अमेरिका तो वैसे ही पैसे वाला देश है, वो तो अच्छे अच्छे हथियार, अच्छे अच्छे वज्र खरीद सकता है, बना सकता है। तो भैया भारत जो है, भारत जो है वज्र, अपन बात करें कि भारत तो अमेरिका से क्या खरीदता है, वज्र खरीदता है, क्या खरीदता है, वज्र खरीदता है। अमेरिका के पास बहुत पैसे हैं, तो भारत जो है बड़े बड़े जो यान प्यान वो कहाँ से खरीदता है, वो खरीदता है कहाँ से, अपना अमेरिका से खरीदता है। अगला आएगा आपका वेन बैक्स, युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, वेन बैक्स। देखो उसमें वैसे ही दिख रहा है, वेन वेन से आपका आएगा वियतनाम, भारत के तो युद्ध अभ्यास यही सही। अपन को साथ में हिंट में बस इतना याद करना कि भारत के साथ में कौन है, तो वेन से क्या आएगा आपका वियतनाम, वेन से क्या आएगा आपका वियतनाम, और क्या है भारत। देखो यहाँ भी लिखा है वेन बैक्स, तो क्या लिखा है ये वेन, वेन क्या लिखा शुरू में, वेन। तो भैया भारत में सबसे ज्यादा क्या चलती है, वैन चलती है, बैक्स बक्स चलती है, अपन याद कर लेंगे। वैन और बस सबसे ज्यादा कहाँ चलती है, भारत में चलती है, क्योंकि वह जनसंख्या में दूसरा स्थान है। और क्या आएगा वियतनाम, क्या आएगा वियत नाम, वियत नाम। देखो अब आपको पता है यहाँ पर वैन है और यहाँ पर वियत है, तो वैन से क्या आएगा वियतनाम आएगा, वियतनाम कहाँ है भारत में, अपन याद कर सकते हैं। वैन कहाँ चलती है, भारत में चलती है, वियन वियत नाम, वाइस हो जाएगी। अगला आएगा युद्ध अभ्यास, 18वां युद्ध अभ्यास हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, क्या हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। अच्छी बात है भैया, भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं, अपन तो चाहते हैं कि भैया भारत और अमेरिका के बीच कभी युद्ध ना हो, है ना, बस युद्ध अभ्यास ही हो, क्या ना हो युद्ध ना हो, क्योंकि अमेरिका के पास वैसे भी क्या है बड़े बड़े वज्र है, पहाड़ है ना, पर अपने भारत के लोग भी बड़े खतरनाक लोग है ना, उनको वज्र पहाड़ से मतलब नहीं रहता है, वो तो उनके हाथ ही जो रहते हैं ना, खेती किसान में जो हाथ करते हैं ना, किसी के कंटपटे में तुम्हारे किसान टप्पा खा जाए वही वो। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, समझ में आ रहा होगा सभी को ये, और जो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखे, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग, वैसे कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी है हमारे, सोने का कैमरा है, वैसे भी कुछ उसमें गुंजाइश तो नहीं, तो क्वालिटी की तो बात कर नहीं सकते। फिर भी एक बालिका का आया था कमेंट, तो आप अपनी मोबाइल की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, आपके मोबाइल में दिया है ना, 480 क्वालिटी पे आप लोग देख सकते हो, तो आपको अच्छे से ये दिखेगा, है ना। देखिए युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका बीच में सिर्फ युद्ध अभ्यास ही हो तो ठीक है, युद्ध ना होना चाहिए। अल ना जहा, अल ना जहा, देखो अल ना जा किसके पास में, भारत और ओमान के बीच में, इसमें अपन ट्रिक लगा लेंगे, अल ना जहा, तो इसमें ट्रिक लगाएंगे, ओ ना जहा, अल ना जहा, अल ना जा, ओ मान जा, ओ मान जा, ओ मान जा, ओ अल ना जहा, वहां मत जा, भारत में मत जा, ओ मान जा, उससे बोल रहे हैं उनसे, ओ वहां ना जा, है ना, मतलब जो है कि भारत में ना जा, अल ना जा, अल ना जा, अल ना जा, कहाँ ना जा, ओ मान जा, भारत में ना जा, है ना, बंदा
जा रहा होगा कहीं घुस जाते, जैसे आतंकवाद भारत में अपने बॉर्डर पे से घुस के इधर आ जाते हैं, तो वो उसके समझाते हैं, अब उसके ओ ना जा मान जा उड़ा देंगे भारत वाले। अगला है समुद्री साझेदारी अभ्यास। समुद्री साझेदारी देखो भारत और जापान के बीच, ये जापान ने तो अपने सारे के सारे, अपन बात करें जहाज खरीदते हैं तो जापान से, मेट्रो ट्रेन का जनक जापान को कहा जाता है, भारत में कोरिया और जापान मिलकर क्या बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं। तो समुद्री साझेदारी, कौन सी साझेदारी की बात कर रहे हैं अपन, समुद्री साझेदारी। समुद्री साझेदारी अपने यहाँ के लोग बात करें अपन भारत के अंदर, देखो जहाँ से क्या आएगा आपका जहाज आएगा, और जहाँ से क्या आएगा जापान आएगा, जहाँ से जहाज, जहाँ से जापान। तो ये समुद्र की बात करें, समुद्र में बंदा साझेदारी करने गया, क्या करने गया साझेदारी करने के लिए गया, है ना, कौन गया जापान गया, जापान ने भारत के साथ क्या की साझेदारी की, भारत ने बोल दिया देख भाई तू है ना साझेदारी करना, हमें पान खिलाना पड़ेगा, अगर तेरे जहाज मुझे बेचने हैं तो तुझे एक पान मुझे फ्री में खिलाना पड़ेगा। तो भारत के लोगों ने वहां जाकर क्या सूद दिया, पान सूद दिया जापान। अगला आएगा सी गर्जियन टू, वैसे ये अपने देश का नहीं है, गर्जियन अपने देश का वैसे अपन को पढ़ना है, बाकी एक आ दिया तो आपको याद होना चाहिए। वैसे सी गर्जियन कहां पर है, चीन और पाकिस्तान। अपन वैसे भी देखते हैं गर्जियन मतलब गाजना, गर्जना गर्जना, चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपने देश के ऊपर गरजते हैं, सीधा साधा देश है हमारा भारत, है ना, फिर दिमाग खराब हो जाता है जब फिर मालूम भी है क्या होता है ना, इसलिए गरजना नहीं चाहिए। तो भारत और पाकिस्तान किस देश पर गरजते हैं, भारत पर गरजते रहते हैं, होना जाना कुछ है नहीं। समुद्र की अपन बात करें, किसकी बात करें समुद्र की, तो समुद्र के अंतर्गत अपन ने क्या खरीदा भारत ने जापान से, तो अपने जहाज खरीदे और एक पान खा लिया, समुद्र के अंदर क्या खा लिया पान की साझेदारी कर ली, ओ ना जा ओ मान जा भारत में ना जा उड़ा देंगे ना जा। युद्ध अभ्यास तो अमेरिका के साथ क्या होना चाहिए, युद्ध अभ्यास ही होना चाहिए। वैन से वियतनाम है ना, देखो वज्र अमेरिका के पास में बड़े 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 वज्र है, बस उसके साथ में क्या होना चाहिए युद्ध अभ्यास होना चाहिए। अगला आएगा उदार, भारत के लोग माल क्या मांगते हैं, उदार मांगते हैं माल, ऐसिया कोई ना कोई माल उदार मांगते रहता है, भारत में 80% जनता एक दूसरे से मांगते रहती है, अच्छा है दे भी देते हैं हर सामान। यहाँ तो इसकी माल की बात करें, हमारे गांव के अंदर तो बेचारे के क्या तेल खुट गया, एक गिलास तेल भर लाया वहां से, है ना, कर शक्कर ले आया जाओ माँ पाउन आया दे देंगे उनके यहाँ से, कक्कू के यहाँ से परिवार में शक्कर ले आया तेल ले आया बग गई भर लाते हैं कि तो फ्री में देते भी नहीं तेल भी, इतने बड़े गिलास में इतने बड़े गिलास में ला के देते हैं, फिर भी दे देते लोग अच्छे भोले वाले लोग है ना। देखो जिम, जापान भारत के लोग जाके पान भी खा लेते हैं, पान खाते खाते क्या कर लेते हैं जिम भी कर लेते हैं। काका से क्या है आस है ऑस्ट्रेलिया, ओस्तक सभी देशों के बीच में युद्ध अभ्यास होता है ना, अपन ये देख रहे हैं। इनको सिर्फ सुनो, मैं वैसे ही पूरी मेरी मालवी भाषा में पढ़ाता हूँ, मेरी मातृभाषा में पढ़ाता हूँ, मेरी लैंग्वेज जो है ये मेरे मातृभाषा है, ये मेरी मालवी है, ऐसी बोली जाती है घर की भाषा है ना, पूरा प्योर देसी। देखो अगला आएगा संप्रति, क्या लिखा है यहाँ पर संप्रति, ये संप्रति, संप्रति की अपन बात करें तो किसके बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में, किसके बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच, तो अपन क्या करते हैं संप्रति, संप्रति भारत के पास बहुत संप्रति है, घर भी है और क्या है बंगला भी है, घर भी है और क्या है बंगला भी है, भारत के पास में बड़े बड़े बंगले बने बहुत सारी संप्रति है, याद हो जाएगा संपत्ति है सोने का तक, भारत के पास में घर बड़े बड़े बंगले है बांग्लादेश। अगला आएगा आपका एंड, तो देखो ये तो वैसे ही भारत और इंडोनेशिया के बीच, तो अपन इसमें ये इंड हो गया और ये इंडो हो गया, तो इंड से क्या आएगा इंडिया, इंडो से क्या आएगा इंडोनेशिया, आपको पूछा गया इंड इंडो है ना कॉर्पोरेट किसके बीच में, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, कौन सा नंबर का है 38वां, तो ये इंडिया हो गया और इंडोनेशिया हो गया। थोड़ा बहुत अगर अपन हिंट लगाए ना तो बहुत सारे पेपर तो उस आंसर क्वेश्चन में ही रहते हैं, अब इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ये भी गलत कर देंगे। अगला आएगा आपका है ना ये बाल्टॉप्स, कौन सा युद्ध अभ्यास है बाल्टॉप्स, ये भी बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है 16 देश के बीच में, वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पेपर में आते ही नहीं है मतलब, पर फिर भी आपको याद होना चाहिए कि कितने देशों के साथ में हुआ है 16 देशों के साथ में हुआ है बाल्टॉप्स, किसके साथ में हुआ है 16 है ना, भूल जाओ तो बाल्टॉप्स बालक बालक है क्या बोलते गांव पे, छोला ये 16 या छोला 16 याद हो जाएगा। खान क्वेस्ट कितने देश के बीच में हुआ है 16 के बीच में हुआ है, तो ये बाल्टॉप्स और खान दोनों किसके बीच में हुआ 16 देश है बहुपक्षीय, इसमें 16 देश को तो अपन याद नहीं कर सकते है ना, वैसे आता भी नहीं है। तो देखिए करंट अफेयर के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कैसे ही पढ़ो या तो नरेंद्र वर्मा से पढ़ो या रटो है ना, रट तो आपको इनको सकते नहीं,
अब अपन जितनी भी चीज पढ़ा, मैं पूछा संपत्ति, सर ने कहा था भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिम, भारत जापान पान खा के क्या करता है, जिम करता, ओमान जा, ओमान आ जा, ओमान, भारत और ओमान के बीच अगला आएगा बोगो सागर थर्ड, कौन सा आएगा, बोगो सागर थर्ड, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा सागर है, बोगो, तो वैसे ही दिख रहा है इसमें, भारत तो देखो साथ में रहेगा, भारत के तो युद्ध अभ्यास पड़ ही रहे, साथ में कौन है, तो बासे बोगो, बासे क्या आएगा, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश, बोगो बांग्लादेश, तो बोगो सागर, बोगो सागर, अपन यहाँ पर ऐसे भी याद कर सकते हैं, भारत के लोगों के पास बड़े बड़े बंगले बने हैं कुआ पे, और उन बंगलों में वो धरते हैं बगा बागा, बागा धरते हैं बोगा बारा बोरा बोरा है ना, बोरा उन ढल लेते हैं, बागा ढल लेते हैं, बाहरी ढल लेते हैं, अवेयर के बहुत अच्छे लोग हैं, गांव के लोग बेचारे, आज देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने हर प्रत्येक घर के अंतर्गत आपको जानवर मिलेंगे ना, जैसे गोमाता हुआ है ना, आज गैया भैंस जो हुए ये इनकी वजह से ही आज चल रहे हैं, और आज दीपावली महोत्सव में जो गोमाता की पूजा करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो बाहर शहर मुंबई सिटी में कैसे कहाँ से गाय की पूजा कर पाते हैं लोग। देखिए अगला आएगा कॉर्पेट, क्या आएगा, कॉर्पेट, कॉर्पेट भी है भारत और बांग्लादेश के बीच में, देखो आपको पता है बंगले में किसी के यहाँ टाइल्स नहीं तो बेचारे ने कॉर्पेट ही बिछा लिया, बंगले में क्या बिछा लिया, कॉर्पेट बिछा लिया, भैया मेरे यहाँ टाइल्स नहीं है, कॉर्पेट, कॉर्पेट भी टाइल्स जैसे काम कर लेता है ना। अगला आएगा आपका ये भारतीय तटरेखा बल के बीच में, जिसको अपन बोलेंगे नेट पोलरेक्स, जो है किसके बीच में, भारतीय तटरेखा के बीच में जो अपनी सेना है। अगला आएगा ये तटरेखा, ये वो अभ्यास ज्यादा आते हैं जैसे भारत बांग्लादेश दो देशों के संयुक्त अभ्यास, तीन देशों के संयुक्त अभ्यास आते हैं, बहुपक्षीय नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको फिर भी ये याद होना चाहिए ना। देखो अगला आएगा आपका पहला IONS, आपको सभी को पता है INSO तलवार आपने सुना होगा है ना, ये अपनी सेना के अंतर्गत जहाज भी था INSO तलवार, INSO समुद्र किसके बीच में होगा, नौसेना के बीच में होगा, किसके बीच में होगा, नौसेना के। अगला आएगा खंजर अभ्यास, खंजर है भारत और किर्गिस्तान के बीच, किसके बीच में, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, देखो किंग खंजर, भैया खंजर वही लोग रखेंगे भारत में जो किंग है, जो क्या है, किंग है, तान कियों पर खंजर रख देते हैं, किंग कहाँ रखते हैं खंजर, तान पर, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान याद हो जाए, खंजर, खंजर लोगों के पास में होते हैं खंजर। अगला आएगा वरुण, क्या आएगा आपका, वरुण, वरुण है भारत और फ्रांस के बीच, किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में, अपन यहाँ पर देख लेंगे इसको अच्छे से। वरुण देव को आपको पता है वर्षा के देवता कहा जाता है, इस बार इतनी दबा के वर्षा करी वरुण देव ने कि बहुत सारे लोग तो पानी में फंस ही गए, भारत में बहुत सारे लोग पानी में क्या हो गए, फंस गए, फंस से क्या आएगा, फ्रांस, हमारे सीओ में भी तीन लोग बह चुके थे, बड़ी एक हादसा हुआ था है ना, जिसमें एक पटवारी साहब थे और एक तहसीलदार जी थे और शायद एक ऑटो वाले भी थे है ना, जिसमें एक की तो लास्ट शायद सियोपुर में जाके मिली थी, तो वरुण जी ने इस बार इतना पानी दिया कि भारत में बहुत सारे लोग पानी की वजह से फंस गए। अगला आएगा बालीकतन, बालीकतन है अमेरिका और फिलीपींस के बीच में, अमेरिका और फिलीपींस के बीच में, देखो अपन बात करें यहाँ पर बाली, बालीकान की बाली, भैया अमेरिका के पास में इतने पैसे हैं कि उसने कान की, जैसे अपने यहाँ पर क्या होता है लाडली लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत सरकार साइकिल बांट देती है अपने शिवराज सिंह चौहान जैसे साइकिल बांट देते हैं ऐसे ही ऐसे ही अमेरिका क्या करता है, अमेरिका के पास में इतना पैसा है कि फिली में कान की क्या बाट दी, बाली, बाली बाट दी फिली में, फिली से क्या आएगा फिलीपींस, अमेरिका ने फिली में कान की क्या बाट दी, बाली बांट दी, और अपने यहाँ क्या बांट दी, साइकिल बांट दी, लैपटॉप बांट दिया फिली। अगला देखिए आप लोग, देखो अमेरिका ने कान की क्या बांट दी, बाली बांट दी, याद है आप लोगों को, ऑफलाइन वाले बच्चे सब समझ जाते हैं है ना, क्योंकि मेरा एक यहाँ पर एक दायरा रहता है, मैं दायरे में रहकर ही पढ़ा सकता हूँ है ना, ऑफलाइन बच्चे में क्या रहता है मजाक मस्ती भी हो जाती है, क्योंकि 9-10 घंटे कंटिन्यू काम करना अगर बिगर बातचीत मजाक मस्ती हंसी मजाक में नहीं पढ़ो तो वक्त ही याद ही नहीं कर पाए, और इतनी देर तक टीचर खड़ा भी नहीं रह सकता, आपको पता है स्कूल में 4 घंटे क्लास लगती है, 45-45 मिनट की क्लासेस लगती है सरकारी स्कूलों के अंतर्गत, प्राइवेट स्कूलों में 4-5 घंटे के 7 से 12 बजे तक उनको छोड़ ही देते थे, देखो 30-35 मिनट में, यहाँ साला 10 घंटे दबा के सुबह 6 बजे उठो, 7 से 7 तक खाना खाने का भी समय नहीं रहता है, पढ़ाए जाओ, जीके में तो बोलने ही बोलना, बोलने ही बोलना, आपको पता सबसे ज्यादा एनर्जी खत्म होती है तैरने में, और दूसरी एनर्जी होती है बोलने में है ना, और आपको 1 घंटा में एक्स्ट्रा इधर भी दे रहा हूँ, देखिए इसलिए
कम से कम मुझे सब्सक्राइबर का तो आपको कहना नहीं पड़े, है ना। मेरे को इतनी मेहनत करने के बाद अगर मुझे आपसे बोलना पड़े कि आप मुझे सब्सक्राइबर करो, तो ये तो भी बहुत छोटी बात हो जाएगी ना। तो ये आप खुद समझदार हो। देखिए, बालिका, बालिकान की फिल्में बांट दी, काय बांट दी, फिल्में बांट दी, फिल्में। अगला आएगा आपका दस्तलीक। देखो साला ये क्या सिस्टम आया, दस्तलीक थर्ड, दस्तलीक थर्ड। देखो अपन इसको याद कर लेंगे, समझ में आ गया वो दस्त से सभी को, है ना। भारत और उज्बेकिस्तान। देखो भारत में बहुत सारी जगह क्या होती है, ऐसी रहती है उज्जड़ी टाइप की, उज्जड़ टाइप की, जहाँ कोई रहते ही नहीं है। और जहां पर देखो सही बात है कि जितनी भी जगह है उनको साफ करके मकान बन जाए तो ठीक है, अगर ज्यादा उजड़ जगह रहेगी ना, उज्बेकिस्तान उजड़ी हुई जगह रहेगी, वहां झाड़ी वाड़ी होगी ना, तो लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार क्या करने जाएंगे, दस्त जाएंगे, भागे बोल लोटा लेके से भागेंगे, सीधे दस्त जाएंगे, है ना। आ गए हम गया नहीं दरी में ना तो बंदे को क्या लग गए, दस्त लग गए, इतने तेज लग गए कि वो चीक मार के भागा। और कितनी बार जा रहा, अगर कोई बंदा तीन बार जा रहा तो उसको क्या लग गए, दस्त लग गए। तो ऐसी जगह देखो, घर में एक बाथरूम रहता है, अब बंदे घर में पांच छह सदस्य रहते हैं, दस्त लग गए तो ऐसी उजड़ी फुजड़ी जगहों में जाके चुपचाप बैठ के अपना काम करके वापस आ जाता है। उज्बेकिस्तान पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक काम तो बहुत अच्छा किया है, लख लख बधाई नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने बाथरूम बना दिए। जंगलों में बड़ी दिक्कत आती थी, पीछे दर्द सांप आ गया, पीछे टच कर दिया, साले ऐसी जगह काटते किसी को के भी नहीं सकते, किसी ने काट खाया है ना बेचारे के तो ऐसे ही मर जाते थे। सोचो अगर कोई उस समय ऐसे करके कुछ बैठ जाए, साला जंगल में साले एक तो ऐसी स्थिति में साला ऐसे बैठा हुआ, सामने शेर आ जाए तो चिल्ला भी सकता और भाग भी नहीं सकता है ना, चिल्लाए सब आ जाए वहां पर, ये देखे तो ये काम अच्छा है, कम से कम सुकून तो है। चलो देखें दस्त लग गए, बंदा कितनी बार जा रहा, तीन बार जा रहा, कैसी जगह ढूंढ रहा, उजड़ी जगह दिख रहा, अब तो सब साफ कर दिए जंगल वंगल, तो आप तो कोई भी अलग ही आदमी दिख गया तो लगी चमक जाए वो बैठा पकड़ो सर चला चला ठीक है। लामिते क्या आएगा, लामिते, लामिते, लामिते आएगा भारत और सेशल्स के बीच में, भारत और सेशल्स। देखो आपको पता है बंदा बोल रहा है दूसरे देशों में तो भारत बहुत बड़ा देश है, सब मिल जाते हैं आपको, सेल्समैन मिल जाएंगे भारत में, क्या मिल जाएंगे, सेशल्स, सेल्समैन मिल जाएंगे। बंदा बोल रहा है कि एकाध बंदे को लाऊं के साथ में बेच रख के, नहीं लामात, लामात, यहाँ वैसे ही बहुत सारे क्या है, सेल्समैन है, मिल जाएंगे। इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई करो, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि किसी के यहाँ पर सेल्समैन के काम करना पड़े। अगला आएगा आपका, यह आएगा आपका सिलनेक्स। सिलनेक्स की बात की तो ये भारत और श्रीलंका के बीच, वैसे वैसे ही लिखा उसमें श्रीलंका, है ना। ये एस एल से क्या बन जाएगा आपका, श्रीलंका, और आई से क्या बन जाएगा आपका, इंडिया, है ना। ये आएगा श्रीलंका और आई सी से क्या आएगा, इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, भारत और श्रीलंका, श्रीलंका और इंडिया के बीच में आपका यहाँ युद्ध अभ्यास है ना, भारत श्रीलंका। आपको पता श्रीलंका में तो वैसे ही अपने रावण, आपको पता है फुपाजी थे, मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की पूजा होती है, भातखेड़ी में और साजापुर में भी पूजा होती है, अपनी भाभी का नाम क्या था, मंदोदरी था, है ना, रावण की सेटिंग यहाँ पर थी, ऊपर याद रखना। धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन 2022, देखो किसके बीच में हुआ, भारत और जापान। देखो मैं एक एक चीज की ट्रिक लगा रहा हूँ, ध्यान से अगर बच्चा मुझे सुने ना तो मैं रियल बता रहा हूँ कि इसमें से उसका क्वेश्चन कटे ही नहीं। अब देखो ये क्या लिखा, गार्जियन किसके बीच में, भारत और जापान के बीच में, तो भैया इसमें लिखा धर्म गार्जियन, वो एक गार्जियन अलग था, आपने देखा था वहां सी गार्जियन था चीन और पाकिस्तान के बीच में, ये क्या धर्म गार्जियन। भारत में प्रत्येक धर्म में ट्रिक लगा रहे हैं अपन कि भारत में प्रत्येक धर्म के अंतर्गत, प्रत्येक धर्म के अंतर्गत अगर धर्म की कोई बात चले, मंदिरों की बात करें, मस्जिदों की बात करें, चर्च की बात करें, तो प्रत्येक धर्म में कोई भी बंदा पान खा के नहीं जाता, भारत में जाके कोई पान खा के किसी भी धर्म में नहीं जा सकता, अगर चल गया ना तो लोग वहां पर गाजने लग जाएंगे, अब ये पान तुक्का, पान खा के आ गया ना क्या। तो धर्म में हमारे हिंदू धर्म में, सभी धर्म में, हिंदू धर्म समाज में, मुसलमान धर्म, कोई सा भी धर्म हो, यहाँ पर क्या है, कोई बंदा मंदिरों में किसी भी धर्म में क्या नहीं खा के आता है, पान खा के नहीं आ सकता। तो भारत में कोई पान खा के, पान से क्या आएगा, जा पान आएगा, है ना, नहीं तो कोई ना कोई उसके ऊपर गाजेगा, गाजेगा, कड़केगा, चिल्लाएगा, उसको बोलते हैं मिलन। यह आएगा बहुपक्षी, बहुपक्षी है ना, मतलब बहुत सारे देशों के बीच में हुआ होगा। कोबरा, कोई कोबरा भी बहुराष्ट्रीय है, बहुराष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों के बीच में, बहुपक्षी मतलब बहुत सारे देश मिलकर इसमें काम करते हैं, तो ये अपने के लिए आईएमपी नहीं है, बाकी जैसे जो दो देश तीन देश ये अपने लिए आईएमपी है। पर मैं फिर भी आपको बता दूं,
मिलन कैसा है तो बहुपक्षीय, कोबरा कैसा है बहुराष्ट्रीय, धर्म में प्रत्येक धर्म में कोई क्या नहीं, पान खाना नहीं चाहिए, है ना, ये दांत मात खराब हो जाएंगे, अच्छे लोगों के आप लोग हंसोगे अजीब दिखोगे, है ना, आप कम से कम ये शिक्षा विभाग में एक चीज तो अच्छी है कि हम शिक्षक लोग जर्दा पानी दारू बीड़ी सिगरेट इन सबसे दूर है बिल्कुल, है ना। और मैं तो भैया भले आके चेक कर लो, मेरा तो भले चेकअप करवा लो किसी भी डॉक्टर से, आज तक कभी ये नहीं चीज़ नहीं दवाई अपन ने, खाना भी नहीं चाहिए, काजू बादाम खाओ, हम दिन भर ये चीज खाते रहते हैं, है ना। कोप ये अपना यहाँ से आएगा, पूर्वी, देखो पूर्वी बिज्र, पूर्वी ब्रिज, ये लिखा पूर्वी ब्रिज, पूर्वी ब्रिज, ब्रिज दिया भारत और ओमान। आपको पता है दो तीन जगह तो ऐसी है कि अगर कोई बंदा उसमें से जाकर आए तो लोग उस पर शक करते हैं, जैसे कोई बाढ़ के खेत में से अकेला हिटकर आया तो लोग एक साथ देखेंगे यार ये बाढ़ के खेत में क्या कर रहा था, गन्ने के खेत में, और कोई ब्रिज के नीचे से निकल के आए तो भी लोग देखेंगे यार ये ब्रिज के नीचे से क्यों आया, गलत समझते, भले बेचारा किसी दिमाग खराब हो बैठा हो गलत समझेंगे। तो कोई बंदा अगर भारत में, जैसे कोई बंदा विदेश से कोई आ गया और ब्रिज में जाके बैठा तो क्या बोलेंगे, ओ मान जा ब्रिज में मत भरा, लोग गलत समझेंगे, ओ मान जा ये भारत है, ओ मान जा और कहीं बैठ जा दादा, ओ मान जा कामन बैठ ब्रिज में मत भर। अगला आएगा कोप, कोप आएगा यूएसए और बांग्लादेश, यूएसए और बांग्लादेश, यूएसए मतलब अमेरिका और कहाँ है बांग्लादेश। देखो कोप, कोप की अपन बात करें तो देखो कोप सा आएगा रोप, अपन पकड़ेंगे कोप है रोप है कोप है रोप है, किसका है यूएसए का है, उसका क्या है कोप है रोप है, बड़े बड़े बंगले है बंगले से क्या आएगा बांग्लादेश, अमेरिका का बड़ा खोप है रोप है कोप है, उसके पास बंगले हैं तो बंगले से क्या आएगा बांग्ला, ओमान जा ब्रिज में मत भरा ये भारत है, लोग गलत समझेंगे, भारत और ओमान के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है ना। अच्छा अगला आएगा पश्चिमी लहर, क्या आएगा पश्चिमी लहर, ये तीनों सेनाओं के बीच में हुआ अपनी पश्चिमी लहर जो हुआ है। अगला आएगा आपका चिरू, चिरू जो हुआ है ये हुआ है, देखो उसका नाम से दिया है इसके अंतर्गत तो अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, इसमें दिया रूस चीन और क्या हो गया ईरान, तो ये सीसत क्या हो गया आपका चीन हो गया, क्या हो गया आपका चीन हो गया, ये लिखा पूरा ये हो गया चीन है ना। इसके बाद में आपका आएगा यहाँ पर यू से हो जाएगा रूस और आई से क्या आ जाएगा आपका ईरान आ जाएगा, ये ईरान हो गया ये चीन हो गया ये रूस हो गया है ना, रूस हो गया आपको याद है रूस रूस, ये आएगा आपका चीन, चीन के बाद में ये रूस हो जाएगा, गलत बोल दिया मैंने, और आई से क्या आएगा आपका ईरान आ जाएगा, उसमें काम हो गया, थोड़ा बहुत अगर आप ट्रिक लगा लो ना तो वैसे देख लो, देखो ये सी एस से क्या हो गया चीन हो गया, आई से क्या हो गया ईरान हो गया, और ये रूस से क्या हो गया रूस हो गया, वैसे दिख रहा रूस चीन ईरान है ना। देखो पर इतना सोचे कौन, आपके पास तो समय नहीं है, है ना, आपके पास थोड़ा बहुत पढ़ने बैठो वो सोना बाबू जानू बाबू लाल मेरे बाबू ने खाना खाया इनके फोन आ जाए, इतने बंदा सोचे तो देखो मर रहा है तुम्हारा बाबू, अरे पढ़ लें दो उसको जिंदगी बन जाएगी है ना। अगला आएगा ये आएगा पैसेक्स, पैसेक्स किसके बीच में, पैसे की बात करें तो भारत और रूस, देखो भारत के पास बहुत पैसे हैं, भारत के पास में क्या है बहुत पैसे हैं, पैसे की बात करें पैसे की बात करें पैसे की बात करें तो क्या है भारत के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन लोग देते नहीं है पैसे, क्या करते देते नहीं है, बेचारे पति से पत्नी बार बार पैसे मांगती, जानू फुल्की खानी है पैसे दे दो, पति ने अगर मना कर दिया तो पत्नी रूट जाएगी, पति से क्या होगी रूट जाएगी रूस जाएगी रूट जाएगी रूस जाएगी, पैसे बहुत है पर देते नहीं है। फुल्की में काहे का पैसा यार, फुल्की जैसी चीज खाते हो अच्छी चीज खाओ, फुल्की में कौन सा विटामिन होता है, मैं डेली बोलता हूँ थोड़ा बढ़िया काजू बादाम खाओ किशमिश खाओ कुछ ऐसी चीजें खाओ। सी ड्रैगन क्या आएगा, सी ड्रैगन भारत कनाडा दक्षिण कोरिया, भारत कनाडा दक्षिण कोरिया, क्या ड्रैगन सी ड्रैगन, ड्रैगन अपन बात करें यहां पर तो देखो भारत हो गया कनाडा हो गया और क्या हो गया दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया कोरिया ये कनाडा और क्या हो गया भारत। अब आपको पता है ड्रैगन, आपको सभी को पता है कि पहले एक बड़े बड़े जो है डायनासोर थे, डायनासोर को ही लोग गांव पर ड्रैगन बोल देते हैं, ड्रैगन डायनासोर है ना, और एक तो ड्रैगन मतलब ड्रैगन मेरा यार है बहुत भी होता है उसका मतलब है ना, ड्रैगन मेरा यार है गाना भी है ना। ड्रैगन भारत कनाडा और क्या है कोरिया, कोरिया। अब देखो अपन इसमें ट्रिक लगा लेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक लगा लेंगे, ड्रैगन से अपन इसको पकड़ेंगे, वैसे डायन क्या पकड़ेंगे अपन, डायन क्या है डायन। भारत के अंतर्गत लोग डराते बहुत है, जंगल बहुत रहते हैं, वनों का देश कहा जाता है भारत को, भारत के अंतर्गत बेचारा कोई अपना नाड़ा है ना, अपना नाड़ा देखा होगा आपने, बेचारा कहीं जाके अपना कहीं करने गया होगा नाड़ा सुसु कर रहा होगा,
इतने में किसी ने बोला, अरे बाप रे डाया नहीं है, चोरिया कोरिया भाग, बेचारा नाड़ा पकड़ के भागता एकदम ऐसे चीख मार के ना। तो भैया भारत में डे गंडा कंडायन पता नहीं क्या क्या होती है, भारत कनाडा दक्षिण कोरिया से कुछ होता नहीं है, लेकिन भैया मुझे नहीं पता, मेरे चक्कर में ऐसा नहीं कि तुम लोग निकल जाओ, कुछ होता ही नहीं है, है ना। अगला आएगा आपका यहाँ पर, देखिए अपना सिर्फ उद्देश्य याद करना है ना, देखो छोटे से कोरे बच्चे खत्म हो जाएंगे अभी। अगला आएगा आपका एक्यूवेरियन, एक्यूवेरियन की बात करें तो ये भारत और मालदीव, एक्यू अपन याद पढ़ेंगे, एक एक से पकड़ेंगे अपन, एक भारत में बंदा बोलता है यार एक बार थोड़ा माल दे देना यार, एक थोड़ा माल दे दे यार, माल गलत, दो प्रकार के माल होते हैं, मैं उस माल की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, माल मतलब पैसा भी होता है भाई, एक रुपया दे दे यार, माल दे दे यार, एक रुपया दे दे, भारत में लोग एक एक रुपये मांग लेते हैं, दस रुपये पाँच चाय पिला दे, एक रुपया दे दे, भारत में क्या है माल मांगते रहते हैं, भारत माल, है ना, तो एक बार वो माल वो अलग लफड़ा है तुम लोग, है ना, जो सोच रहे हो। चलो अगला आएगा, अपना उद्देश्य तो याद करना फिर, है ना। अगला आएगा आपका क्रेट, क्रेट की अपन बात करें तो ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में, किसके बीच में, अमेरिका। देखो क्रेट से अपन देखेंगे, आपको वैसे ही पता है कि शुद्ध सोना की जो क्रेट होती है 24 क्रेट शुद्ध सोना होता है, और साथ में जिसको अपन यूज करते हैं वो 22 क्रेट का सोना करते हैं, ज्यादा शुद्ध सोना अपन यूज नहीं कर सकते ना। तो भैया क्रेट सोने की, सोने क्रेट अमेरिका के काय में रखी है, बंगले में रखी है, अमेरिका ने अपने बंगले में सोने की क्या रखी है, क्रेट रखी है। अगला आएगा दोस्ती, है ना, दोस्ती जब भी आता तो गांव तो दिमाग में आ ही जाता है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, है ना, दोस्ती 15। अब आएगा आपका यहाँ पर देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, दोस्ती, दोस्ती की अगर अपन बात करें यहां पर तो ये दोस्ती में आपका आएगा मालदीव, भारत और श्रीलंका, मालदीव, भारत और श्रीलंका। देखिए भारत दोस्ती जिसी भी देश से करता है बहुत अच्छे से करता है, पैसे की जरूरत हो टनाटन माल है, सोने की चिड़िया जो भी आया सब दबा के लेके गया, हम कभी कहीं से नहीं गए, कभी देखा कि भारत ने ब्रिटेन को लूट लिया, भारत ने अमेरिका को लूट लिया, दक्षिण अमेरिका जो भी आया लूटना है, भारत ने बोल दिया आ जाए, 200 साल तक अंग्रेज आए, 800 साल तक अफगानिस्तान से हुआ है, सब लूट ला, किसी को मना नहीं किया, लेकिन अपन कहीं भी नहीं गए। लेकिन अगर नारी की बात अगर आई हमारे देश की, लंका लगा देंगे, लंका लगा देंगे, माँ सीता को लेके गए थे हनुमान जी, लंका लगा के आ गए थे उनके, ना लूटना जो करना हो करो, लेकिन नारी के ऊपर अगर आप लोग कुछ भी गलत कदम उठाओगे तो लंका लगा देंगे, श्रीलंका माल चाहिए ले लो, भारत में बहुत प्राप्त मालदीव, भारत और क्या आएगा, श्रीलंका आएगा। अगला आएगा सिटमैक्स, क्या आएगा सिटमैक्स, ये भारत सिंगापुर थाईलैंड, देखो उसमें लिखा है ना, उसमें खुद ही लिखा है यहाँ पर सिटमैक्स ही अपन देखेंगे तो इसके अंदर अपन देख लेंगे यहाँ पर, ये एस से तो हो गया सिंगापुर, आई से हो गया इंडिया, टी से हो गया थाईलैंड। देखो वक्त थोड़ा बहुत अगर अपना दिमाग चलाए ना तो आधे क्वेश्चन तो करंट के उसमें कवर हो जाए, एस से क्या हो गया सिंगापुर हो गया, आई से क्या हो गया इंडिया हो गया, और टी से क्या हो गया थाईलैंड हो गया सिट। अब सोचो अगर ये क्वेश्चन गलत करते आदमी को, लोगो सिट यार इतना सड़ाखात क्वेश्चन उसमें लिखा था, थोड़ा सोच के करा करो। शक्ति क्या आएगा आपका, शक्ति भारत और फ्रांस, भारत शक्तिशाली देश है भैया, भारत क्या है शक्तिशाली देश है, अच्छे अच्छे लोग उलझ तो उलझ तो जाते हैं बाद में, बहुत बुरी तरीके से फंस भी जाते हैं भारत के साथ में, भारत शक्तिशाली देश है, बस लड़ना नहीं बनना क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, है ना, जो भी उलझा है वो बाद में फंसा ही है। देखो रावण उलझे थे भगवान श्री राम से, कैसे फंसे, पूरी लंके लग गई, इसलिए सोच समझ के भैया। अगला अजय वारियर, अजय वारियर किसके बीच में, भारत और यूके के बीच में। देखो भारत शक्तिशाली देश है, भारत से कोई जहां पावर करेगा तो भारत कहीं ना कहीं फंसा देगा। अजय की बात करें, भारत जहां भी जाता है वहां पर क्या करत होती है, उसकी जय जय होती है, विजय होके आता है, अजय होके आता है, जय होके आती, जय होके आती है। भारत कहीं भी गए, अपन गए श्रीलंका, भगवान श्री राम बोला निपटा दिया रावण को, अयोध्या बोला ओके अच्छा निपटा, ओके यूके ठोका अच्छा ठोका, ओके यूके जय होके आयो, ओके है ना, पेपर निकल गया ओके, नहीं निकला तो हेड़ जूतन धमाधम देंगे सामने जमीन बिछवा दी। मित्र शक्ति क्या आएगा, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है मित्र शक्ति। आपको पता है श्रीलंका से रावण के छोटे भाई आए थे विभीषण, और वो भगवान श्री राम के क्या बन गए थे, मित्र बन गए थे। विभीषण जी कहाँ से आए थे, श्रीलंका से आए थे, भगवान श्री राम के क्या बन गए थे, मित्र बन गए थे। जितनी अच्छी बात है
जिस व्यक्ति के भाई ने इतना बुरा किया उसको भगवान श्री राम ने अपने मित्र बना के रखा है ना, अपन तो भाई बहन सबको दोच दे, सबरी नहीं है अपने मित्र में। अपन तो छोटे छोटे बच्चे रहते ना, वो उसी टीम में अगर इधर खेल रहा और वो दूसरी टीम में चल जाए अपोजिट में और उनमें लड़ाई हो जाए तो बोलते तू उधर गया तो हम तुझे नहीं खिलाएंगे, तू हमारे पास अंटी मत खेल, तू संजुक टीम में जा। देखो मित्र शक्ति, देखो संजु नहीं समुद्र, समुद्र शक्ति क्या आएगा, समुद्र शक्ति थर्ड क्या आएगा, समुद्र शक्ति थर्ड किस किस के बीच में भैया, समुद्र शक्ति थर्ड है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, किसके बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच, ये हो गया समुद्र शक्ति थर्ड, किसके बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। देखो भारत और इंडोनेशिया, भारत इंडिया दिख रहा, भारत इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को वैसे भी द्वीपों का समूह कहा जाता है, सबसे अधिक द्वीप विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, द्वीपों का समूह इंडोनेशिया, 2000 से ज्यादा दबा के द्वीप है यहाँ पर है ना। और अपने इंडोनेशिया के अंतर्गत अगर आपको पता हो तो अपने चोल वंश के एक राजा थे राजेंद्र फर्स्ट, वो रात में लुंगी में ही इंडोनेशिया को जाकर ठोक ठाक के आ गए थे, द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, इंडोनेशिया तक अधिकार कर लिया था, बहुत अजीब गरीब राजा थे। समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति थर्ड, समुद्र शक्ति थर्ड की बात करें तो भारत के द्वीप 2000 है। अब कोई बंदा राजा गया होगा तो समुद्र के माध्यम से गया होगा और बहुत शक्तिशाली राजा था, इनके सारे द्वीपों पे इंडोनेशिया पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, बहुत ताकतवर अजीब गरीब राजा थे कुछ तो। राजेंद्र फर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि श्रीलंका में एक राजा थे महिम फर्स्ट, महिम फर्स्ट ने बोल दिया था कि मैं ऊपर के क्षेत्र पे कब्जा करूंगा, ऊपर का क्षेत्र मतलब भारत, चोल वंश था। महिम फर्स्ट ने रात को 2 बजे सुन लिया कि कोई मेरे इधर कब्जा करेगा, वो आया ऐसे लुंगी में आ गए, लाल बनियान है ना होल मशीन के अपने यहाँ तलाने वाले रहते हैं, गया और इतना मारा उसको, मार के अपने भारत आ गए। भारत ने बोला आप श्रीलंका गए थे क्या हुआ, मारा मैंने उस राजा को, तो भारत वाले ने बोल दिया भैया हम कैसे माने तुमने मारा, फिर गए उसको तो वापस श्रीलंका में मारा, फिर भारत में मारा उसको, मतलब सोचो वहां भी मारा फिर भारत में, फिर दो चार यहाँ के लोगों को दिखाने के लिए फिर यहाँ से छोड़ दिया। अब महिम फर्स्ट श्रीलंका गए कि महाराज आप जिंदे आ गए भारत से, आपको यहाँ तो इतना दोचा था, कम समझते हो, बहुत ताकत हो, पूरे भारत को ठोकाया मैं, ये बात फिर उसने सुन ली महिम राजेंद्र फर्स्ट ने, तो फिर लुंगी में गए रात को 2 बजे, फिर उसको वहां दोचा, फिर भारत में भी ला के दोचा, दोची दिया। तो ऐसे ऐसे ताकतवर लोग थे भैया समुद्र के, भारत और इंडोनेशिया के बीच। देखिए अब आप लोग एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, कितने तरीके से मैंने आपको ये सब चीज याद करवा दी, और मैं आपको बता रहा हूँ जीएस का कोई सा भी पार्ट हो, वैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस चल रही है मेरी है ना, और ये जो तो चीज़ें से तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज़ें जो पेपर के अंतर्गत आती है। अगर किसी को कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 97131551, अगर आप देखो यहाँ पर तो ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हो इंस्टीट्यूट में, ये मेरे ऑफिस भी फोन है, ऑफिस के अंतर्गत जो भी चीज़ें आप बता सकते हो जहाँ से भी है ना। देखिए जिम की अपन बात करें तो आपको सबको पता है जिम मैक्स, तो भारत और जापान काका, भारत ऑस्ट्रेलिया, ओस्टक तो अपन देख रहा था कि ये रूस में हुआ था, बहुपक्षीय उदार भारत मालदीप उदार मान लेता है, वज्र किसके पास है तो वज्र अपन देख रहा था, वज्र वाला देश है आपका अमेरिका है ना, वियतनाम भारत आ गया, वियन वियन कहाँ पर है वियतनाम भारत, युद्ध किसके साथ होता है भारत युद्ध, भारत और अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास ही हो तो ठीक है भैया, वज्र है वो ना जा वो मान जा भारत मान जा। अगला आएगा समुद्री, समुद्र की बात करें किस में आएगा, इसमें समुद्र में अपन देखा था जापान आएगा है ना, क्योंकि जहाज अपन इससे खरीदा था। गार्जियन सी गार्जियन आया तो चीन और पाकिस्तान, और धर्म गार्जियन आया तो भारत और जापान, याद रखना है ना। संपत्ति आया तो अपना बांग्लादेश आ जाएगा है ना, ये इंडिया इंडोनेशिया हो गया, इंडिया इंडोनेशिया हो गया है ना, ये आ गया बालटोप और ये खान, ये बहुपक्षीय है, ये बोगो सागर कौन सा सागर हो गया, बोगो सागर, ये बोगो आ गया बांग्लादेश अपन बोला था बगा वाला, ये कॉर्पोरेट हो गया, कॉर्पोरेट बताया भारत में बंगले में कॉर्पोरेट भी चली तो बांग्लादेश आ गया है ना। एक ये आपका दिया यहाँ पर यह नेटोपोल देखा, ये बहुतटीय नौसेनाओं के बीच में होता है। एक अपन देखा खंजर, क्या देखा खंजर, तो अपन देखा किंग के पास में कंजरों के पास खंजर होता है, किंग स्थान की रख देते हैं किर्गिस्तान। वरुण, वरुण भगवान को जल का देवता, इतना पानी फेंका कि हर आदमी इस बार बारिश में फंस गया था। बालिका अमेरिका के पास में सोने की बाली है, फिल्में बांट देते हैं और अपने यहाँ तो क्या बांटते हैं साइकिल बांटते हैं, याद रखना। अगला आएगा दस्त, देख उजड़े जो उजड़े चमन होते हैं ना उजबेकिस्तान,
लामी लामे सेसेल्स लाना मत, श्रीलंका आ गया, वैसे देखा है श्रीलंका, और क्या आ गया भारत, धर्म भारत जापान है ना, मिलन का है बहुपक्षी और कोबरा बहुपक्षी बिजर, ए बीच में वो मान जा, बीच में मत जा, लोग गलत समझेंगे, कोप ये यूएसए बांग्लादेश यूएसए का कोप है, रोप है, लहर तीनों सेनाओं में है ना, ये चीरू अपन देखा तीनों देशों से रूस चीन ईरान उसमें लिखा है, पैसा भारत चीन देखा, डेगन भारत कनाडा, इसके बाद में अपन देखा एक यू एक माल दिलाना, अगला एक क्रेट आएगा अमेरिका बांग्लादेश, दोस्ती तीन देशों में अपन देखा भारत मालदीव और श्रीलंका है ना, सिट का देखा सी से क्या आएगा आपका सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, शक्ति आया तो भैया शक्तिशाली देश कौन है, भारत है, उलझना मत वरना फंस जाओगे, जय हो ओके भारत मित्र श्रीलंका समुद्री शक्ति थर्ड। तो ऐसे करके अपन ने पूरा एक टॉपिक का टॉपिक खत्म कर लिया, एक दिन में एक टॉपिक में पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ, कोई सा टॉपिक बड़ा हो तो उसके दो पार्ट बना रहा हूँ, लेकिन पूरी चीज़ आपको याद करवा रहा हूँ, कुछ इसमें नहीं छोड़ रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें सब आपके सामने हैं। जय हिंद सभी।